हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. आज है फ्राइडे और आई माँ को मैं ड्रॉप करके आ चुकी हूँ. कोई बहलाल, पाकिस्तान और नीदरलैंड का मैच चल रहा है, वर्ल्ड कप शुरू हो गया है क्रिकेट का, तो सारी दुनिया उसमें भी बिजी है. सो अभी मैं आई माँ को छोड़ के आ चुकी हूँ. कल रात को आपने देख ली थी हमने कैसे बोइंग की थी, और अभी मैं और बिलाल जा रहे हैं वॉक पे. बिलाल आज ऑफिस क्यों नहीं गया? दिल नहीं चाह रहा यार। बिलाल उस लेवल पे आ चुके हैं कि जहां पे अगर इनका दिल नहीं करेगा ऑफिस जाने का तो ये नहीं जाएंगे. ठीक है, चलिए जरिए ये बंद कर दीजिए, थैंक यू. तो मौसम अच्छा है, आज फ्राइडे है, तो ये है कि पता है बहुत मज़े का हो गया. ठंडा ठंडा लगता है ना सुबह जब हवा चलती है ना. तो अभी हम जा रहे हैं वॉक पे. वॉक के बाद आके तो मैं 2 हफ्तों से मैंने नॉर्मल ग्रॉसरी नहीं की, ना मैं वॉलमार्ट गई हूँ ना मैं पब्लिक्स गई हूँ. मैं नॉर्मली जो करती हूँ ना, सैम्स और कॉस्को ही जा रही हूँ. उनके 5-6 चक्कर लगा लिए. उसकी वजह से ना घर में जो बेसिक चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉर्मल ग्रॉसरी स्टोर की होती हैं, जो कि आपको कॉस्को इससे नहीं मिलती, जिसमें धनिया वनिया तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन और बहुत सारे आइटम्स हैं. जैसे चने मुझे नहीं मिलते हैं कॉस्को वगैरह में, नज़र नहीं आते. और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं प्रेफर करती हूँ वहाँ के. आज अगर कोई डेकोरेशन मिलती है, हेलोइन की शुरू हो गई है, सो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. ये भी चलती हूँ, ठीक है ना बिलास? ये सामने देखें, वेब लगा हुआ है, स्पाइडर वेब. और ये इन्होंने देखें लाशें बिठा दी हैं. ये स्पाइडर वेब है, ये लाशें हैं. गेम ओवर, लेट मी आउट. ये वाओ, ये बेचारे सुबह को पता नहीं क्यों फ्यूज़ हो जाते हैं. इनके आवर्स होते हैं 8 आवर्स तक वो होते हैं. आगे वो विच खड़ी हुई हैं, चुड़ैल खड़ी हुई हैं. ये चुड़ैल विच जो है ना, पिछले साल फेमस हुई थी ना बिलाल, हर किसी ने अपने घर में लगाई थी. मैं भी उस तरह के स्पाइडर वेब देखे, लोगों ने घास के ऊपर लगाया हुआ. कितना अच्छा है ना ये चुड़ैल, बहुत अच्छी है यार. देखें झाड़ू पर खड़ी हुई है, कितनी अच्छी लग रही है ना, आई जस्ट लव इट. वो गेट के सामने देखें, झूले पे खातून है, बच्चा बैठा हुआ है, ढांचा गिरा हुआ है, कुत्ते का ढांचा, स्केलेटन. इसने इस दफा किया क्या है, इस विच के ने कपड़े चेंज कर दिए. नहीं, इट वाज द सेम विच. नहीं नहीं, पिछली दफा पर्पल कलर का ही नहीं था. अब अच्छा, और इस तरफ तो कमाल आपने देखा ही नहीं है ना. ये दरख्त से देख रहे हैं बंदा लटका हुआ है. इसकी ट्रिक ना बिलाल, मैंने उस पर देखी थी, ये हम भी बना सकते हैं. ये ना वाटर बॉटल से बनता है, ये मैंने देखा था टिकटॉक पे. ठीक है, अभी ऐसा ऐसा हमारा नेबरहुड उस शेप में आने लगा है. बहुत दिन हुए थे आप लोगों को वॉक पे नहीं ले गई थी, तो मैंने कहा चलो आज ज़रा वॉक भी हो जाएगी और साथ में यू गाइस विल एंजॉय. ये आगे जो एक आ रहा है ना, जहाँ पे आर्च बनी हुई है, हमारे ये लेन का घर है जिसपे वो भी चलता है. क्या चलता है बिलाल, ये जो शो होता है क्रिसमस और लाइटिंग्स का और हेलोवीन का, प्रॉपर शो चलता है. सो ये अभी डेकोरेट कर रहे हैं. ठीक है, अभी इनका हुआ नहीं है, लाइटिंग्स लगाएंगे, सब कुछ करेंगे. मैंने कहा इसकी वहाँ पे ये बेचारी ने मिल गई. ये मेरे ख्याल में जॉब पे, इसका बेटे को भी मूव कर दिया इसने. ये वाला जो घर है ना जिस पे पम्पकिंस लगे हुए हैं, यहाँ पे शो लगता है, पूरी दुनिया आती है. तो या कैमरा, सुबह सुबह का टाइम है, लोग स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, हम वॉक कर रहे हैं. बहुत ठंडी हवा, वॉक करके आ गए. हमारे शहजादे निकल रहे हैं घर से. हेलो मानी, सलाम कर दो. वीडियो मत बनाए यार, अभी नहीं है. ये जा रहे हैं मेरे बेटे बरखुरदार, बिकॉज योर मॉमी इज अ व्लॉगर, शी विल मेक वीडियो. अल्लाह हाफिज. फटपटी में जा रहे हैं स्कूल. बाय बाय. सो मौसम बहुत अच्छा हो गया है. मैं चलूँ थोड़ा नाश्ता कर लूँ, फिर चलूँ वॉलमार्ट, थोड़ी बहुत ग्रॉसरी कर लूँ मैं. और ये रहे बिलाल, हमने कहा आप बना भी दिखाई दें. और बिलाल तुम बताओ कैसी चल रही है जिंदगी, मज़ा आ रहा है ऑफिस का?
कितना आ रहा है यार। तुम्हारे ग्लासेस डार्क हो गए, इतने नए ग्लासेस भी हैं, और ये ऐसे ग्लासेस मुझे इतने बुरे लगते हैं जो दिन में सनलाइट हो जाते हैं। सन ग्लासेस बाहर दिखाओ, शक्ल दिखाओ, फिलहाल को बहुत पसंद है, विच इज गुड। मुझे पसंद नहीं है यार, बट दे आर बेटर। हम नवा ये गाना है, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, हम ना बाज आएंगे, ये गाड़ी में लगा हुआ था। वैसे बाज आ जाना चाहिए मोहब्बत ने, दुनिया में या यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं है लिया सिवाय तकलीफ के, है ना फिलहाल। तो बाज आ जाओ सारे। ये बच्चों का पार्क है और उस तरफ वो पिकल बॉल भी खेल रहे हैं। मैं बिलाल से ये कह रही हूँ कि पिकल बॉल खेलने आ गए बच्चों को छोड़ने के बाद, इन्होंने नौकरियाँ नहीं करनी। यहाँ पे नौकरी हर किसी की डिफरेंट होती है, ये चेक करें। मतलब ठंडी हवा चल रही है, हाउ ब्यूटीफुल इट इज यार। एक चीज मैंने देखी है, मैं पिछले, दिस इज माई थर्ड ईयर हेयर, इस दफा जब मुझे पानी के सामने ना ये गार्बेज नजर आ रहा है ज्यादा। पहले दो सालों में मैंने कभी इस तरह की चीजें नोट नहीं करी हमारे नेबरहुड में, एंड इट इज वेरी सैड टू सी। क्यों है बच्चे क्यों ऐसे हो गए? नॉर्मली तो ये किड्स ही करते होंगे, बट है ना बिलाल, पहले कभी ऐसा नहीं था ना, पता नहीं क्यों। या नए लोग आ गए हैं, पर नए लोगों को भी मतलब आप ओन करते हैं ना, इधर भी देखे हैं, एक इधर भी पड़ा हुआ है, उधर भी। मैंने ये पिछले दो सालों में नहीं देखा, पहला साल है जब मुझे ये गंदगी नज़र आ रही है। सामने यहाँ पे भी आके क्रिकेट सुन रहे हैं, मैंने कहा सुबह का टाइम है, परिंदों की आवाज़ सुनो, पानी की आवाज़ सुनो, बीवी की आवाज़ सुनो, थेरेप्यूटिक होती है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। है ना, थेरेप्यूटिक वाइफ की जो आवाज़ होती है ना, वो थेरेप्यूटिक होती है। गुड मॉर्निंग, पता है जितनी ज़्यादा बीवी की आवाज़ सुनेंगे ना, उतने ज़्यादा आपको ना लाइफ में हार्ट रेट जो है ना वो सेटल डाउन होगा, रिदम में आएगा, रिदम में। तुम्हारी बीवी के तो आवाज़ से हमेशा रिदम में आएगा। हम आ चुके हैं, हम जा रहे हैं वॉलमार्ट, मुझे नींद आ रही है, आई डोंट नो, मुझे ना नाश्ता करने के बाद ना बहुत ज़्यादा नींद आती है। मैं कोशिश करती हूँ कि एक दो घंटा मैं सो ही जाऊँ, क्योंकि दुनिया को तो मेरी ज़रूरत नहीं है, नींद को बहुत ज़्यादा है ना। हमें तो इतनी आती नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं है। आती सबको है, सिर्फ बोलने का तरीका होता है। हम अपनी शराफत में ही मारे गए आज तक, क्योंकि हम बोल देते हैं जो हमें चाहिए होता है, जो ज़िंदगी से हमारी डिमांड है। यही सबसे बड़ा मसला है मेरा, कि बिलाल मैंने लाइन के या तो उधर रहती हूँ या इधर रहती हूँ, बीच में नहीं रहती, मेरा पर्सनालिटी का। इसका मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान है, लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, क्योंकि लोग जो मिडल में रहते हैं ना, वो दोनों तरफ से इंजॉय करते हैं, उनको बीच में रहते हैं ना, अगर उस तरफ की चीज़ें उधर भी हाथ मार लेते हैं, इधर की चीज़ें ना तो इधर भी हाथ मार लेते हैं। हमारा ये हाँ दोनों तरफ हाथ फेर लेते हैं, हमारा प्रॉब्लम है एक कोने में होता है या उधर, तो जब भी चीज़ आ रही होती है ना कैच करने के लिए, उधर भागते हैं तो वो कैच मिस हो जाता है, चीज़ गिर जाती है। कभी सोचना इस बात पे। आ गई हूँ मैं यहाँ पर, और वॉलमार्ट में आते ही सबसे कीमती चीज़ जो है ना वो यहाँ का ये है सिलांट्रो, जो कि काफ़ी दिनों में ये पहली दफ़ा मुझे फ्रेश मिला है, वरना जो है ना यहाँ पर अजीब भी मिलता है। दूसरा ये मिर्चें, इस तरह की चीज़ें मैं लेने आती हूँ, पुदीना, ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। बिलाल ले रहे हैं टमाटर, ले लिया, बंद भी कर दें, कुछ भी कह दें, वॉलमार्ट मुझे जितनी अच्छी लगती है ना उतनी कोई भी अच्छी लगती है। ये सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं, ये विच की कैप भी लिया, एम्मा को चाहिए थी, मैंने कहा ऑनलाइन मंगाने से बेहतर है यहाँ से मंगा लूँ। बेकरी आइटम्स पे मत रुकें, क्योंकि ये आपको करेंगे मोटा। चले बिलाल कार्ट आप चला सकते हैं, मैं शक्करकंदी ले लूँ, स्वीट पोटैटो खाने के लिए उबाल के, मोटी होंगी। पर ये पम्पकिंस देखें कितने क्यूट हैं, बेबी पम्पकिंस ना,
ये देख, इसको पाकिस्तानी जबान में क्या कहते हैं शेप्स, देखो बिलाल ये देखें, मुझे पम्पकिन्स को केट कद्दू या पेठा कहते हैं, पेठा क्या पेठा होता है ना, ये कलर चक्कर है, कैसी कैसी वैरायटी है, बड़े वाले पीछे पड़े हैं। चलो आ जाए, क्या बनाते हैं, तुम्हारे दिमाग का मगज का हलवा ना बनाओ, ये बड़े पड़े हुए हैं, आइसक्रीम वापसी पे याद कराओ क्योंकि पिघल जाएगी, चले आइसक्रीम ज़रूरत अभी नहीं है, वापसी पे मैं लेती हूँ आइसक्रीम, ये आउटशाइन मेरी फेवरेट है, ग्रेप्स की ऐसे लगती है जैसे फालसे की है, ज़रूर ट्राई करो। ये देख लें ब्रेड एक पड़ी हुई है, नेक्स्ट वीक लेके एक ले ली है, बाकी इस तरह की सारी चीज़ें ले ली हैं, ये थैंक्स गॉड हलाल मिल जाते हैं यहाँ पे, वरना हमारे पास इतनी ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, कनाडा और यहाँ के वॉलमार्ट में यही डिफरेंस था कि कनाडा के वॉलमार्ट में आपको शान के मसाले तक मिल जाते हैं, हमारे नेबरहुड में अलबत्ता देसी हैं बट ज़्यादातर जो हैं साउथ इंडिया के हैं, तो वो फिर वो शान वान मतलब मसाला नहीं चलता, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है वैसे भी। चले बिला लो, मेरा ये इतना क्लियरेंस सेक्शन जो है ना फेवरेट है, मैं बता नहीं सकती, यहाँ पे आपको इतनी अच्छी प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब मैं सोच रही थी हेलोवीन से पहले, मैंने ये बास्केट बनाने से पहले ये कैंडल्स देखो, दो दो जो कैंडल्स हैं $3 की हैं, जस्ट लुक एट द प्राइस यार, ये $3 की रोल्स हैं, यहाँ से आके बंदा ले, बिलाल के सामने कहूँगी ना वो चीखे मारे आ गया, अब ये रेजर्स चेक करें $1 के, मतलब इतनी मज़े मज़े की, अब ये देखो 2.5 यहाँ, ये क्लियरेंस यहाँ से ले जाते हैं, यहाँ पे और सस्ती हैं, सेल्फ एक्टिविटीज ये देखो बिलाल डॉल्स का ये जो दूसरा है 21 का ओरिजिनल है, अब $5 का हुआ है, ये 21 का ओरिजिनल प्राइस पे था, ये कैंडल्स देखें, अब ये कैंडल्स चेक करो 4.5 की वनीला और 3, ये देखो पता नहीं लोग कैसे वॉलमार्ट से क्लियरेंस से चीज़ें नहीं लेते, अब ये क्या है, ये भी 5 का है, ये जो बलून्स आती है ना वाटर अब मारने के लिए, बिलाल ये देखो ओरिजिनल $12 की थी, ये रेजिस्टेंस ग्लव्स हैं, वेरी गुड, अच्छा ये चेक करो सारी डॉल्स जो है ना, ये नीचे आप चेक करें, ये सारी डॉल्स जो है ना 5-5 की हुई हुई हैं, कितनी अच्छी है ना बिलाल, ये देखो ये सारी 5-5 की हुई हुई हैं, ये मैंने डाइनिंग टेबल का लिया, ये क्या है, विच स्प्रेस आर दिस, और ये देखें बच्चों के $4 के, भाई बेस्ट है, आई जस्ट लव दिस क्लियरेंस सेक्शन, ये क्या है क्राफ्ट क्रिएट $5, नेल्स बनाओ 24 का ओरिजिनल प्राइस पे था ये, अब ये देखें 11 का, हम ज्योमेट्री बॉक्स लेते हैं ना, मेरी बेटी को ये पिंक कलर पसंद नहीं है, वरना मैं उसके लिए बड़ी खुशी से ले जाऊँ, उसको इस तरह की चीज़ें पसंद हैं, लेकिन ऑलरेडी मैं इसलिए कि जो जब टाइम ना हो ना तब ले लिया करें, तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होती, अब ये क्या है LOL, ये कर्टन्स हैं LOL के $5 के, जग गिलास भी पड़ा हुआ है, भाई साहब ये कितने का है, $60 का सेट है, 4 ग्लास पे जग, पिकनिक पे ले जाओ, ये एक एक बास्केट जो है $5, इसीलिए लोग IKEA क्यों जाएं, जब आपको यहाँ से बिलाल ये हेडफोन्स पड़े हुए हैं LOL के $8 के, यहाँ शायद मिल जाए हमको, जो बारबी $7 की हैं, ये लंच बॉक्स कितने का है $7 का, बिलाल ये किटी चेक करो, ये देखो ओरिजिनल $9 का था, यार यहाँ पे इतनी अच्छी चीज़ें पड़ी हैं LOL, तो बंदा यहीं से ले, मैं इधर से क्यों नहीं लेके गई, आई होप कि मैं ज़्यादा हिला नहीं रही, ओह वाओ इट्स सो प्रिटी, बेटर होम्स एंड गार्डन की कैंडल है,
मैं एमी नहीं इधर आती क्लियरेंस पे, मैं आती आती हूँ। ये पेंटिंग कितने की है? $9 की है, 4 pieces। ये देखा आपको ना, यहाँ पे ना काफी अच्छी चीजें मिल जाती हैं। ये $11 की है, ये देखें, ये पेंटिंग $14 की है, ये वाली कितनी अच्छी है ना। और ये डिनर सेट पड़ा हुआ है, 12 pieces। बिलाल अब ये 15 की है, ये भी 15 का है, ये 17, ये $7। यहीं से गिफ्ट स्टेज ले ली जाया करो। और क्या बंदे को चाहिए? ये 4 dolls 19 की हैं यार, हाउ चीप। मैंने कितने वाला लिया है? मैंने तो ये डॉल ली मैंने है। अभी मुझे कह रहा था तुम जहाँ जाती हो आयमा के लिए डॉल क्यों लेती हो, तुम्हें प्रॉब्लम क्या? ये देखें, थैंक्स तुम चलो भाई चलो इसको। अच्छा इसके साथ ग्रोसरी, मैं एक बात बताऊँ सच्ची में, इसके साथ ग्रोसरी कभी मत करना बिलाल। ये छोटे पंपकिन पड़े हुए थे 98 सेंट के, चमकीले। अच्छा मैंने वो लिए $5 की, मैंने कहा कहता अब दूंगा मैं, मैंने कहा ली मैंने तो मैं दूंगी ना, अब नहीं जी देनी इसने। आज है सैटरडे, हमारा कहीं आने का प्लान नहीं था, बट हम अपने ही उसके छोटे सर्कल में आ गए। यहाँ पे शॉप्स हैं, ओल्ड नेवी देखना है बिलाल? ओल्ड नेवी अच्छा, ये देखे मुझे तो आपने देखा हुआ है, आपको दूसरी चीजें दिखाती हूँ। ये देख रहे हैं कार्ड्स कैसे डेकोरेट की गई हैं हेलोवीन की। अपना कल्चर भूल गई है, अपना रिलीजन भूल गई है, हाँ यार भूल गई, सब भूल गई हूँ मैं, खुदाई कसम मेरी ना मेमोरी लॉस है, तो प्लीज मुझे माफ करना, मजबूर हूँ ना मजबूर, मेमोरी लॉस। ये देखें कितनी अच्छी डेकोरेट हुई है बिलाल, हम भी अपनी कार्ड करें तो बहुत अच्छी वो हुई है। ये आजकल कोई सेले मेले कोई भी नहीं है, पूरी आंख में चला गया। सफोरा भी इधर ही है, और यहाँ आके मुझे मजा बड़ा आता है। हाँ लल यहाँ पे क्या था, ये लाउंज जो नया बन रहा है, अंदर चल रहा है ये बिलाल? मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंट लैश लाउंज, आई लैशेज लगाएंगे नकली बिलाल। आजकल खवातीन में सब कुछ नकली है, तो लगवाओ, आई लाइक इट, मुझे अच्छा लग रहा है। ये अभी खुल जाएगा, मैक्रोन खाने चलो। I just love this place. इसकी मुझे वाइब बहुत पसंद है। ट्रम्बल कुकी लेनी है। आ जाए मैं, यू कैन ऑर्डर। ओके, इनकी हर हफ्ते कुकीज चेंज होती हैं। यू वांट दैट वन? डार्क ग्रीन भी है, चॉकलेट ग्रीन मिंट भी है, विच वन यू वांट? कुकीज, सिंगल बॉक्स वन, एक लेनी है दो लेने हैं? टू, ओके एंड वन मोर, वेट वेट वेट, टू बैग एंड व्हाट एल्स? चॉकलेट मिंट ये लेनी है, ये वाली ले लो। सामने क्रम्बल कुकीज ली हैं, आयमा ने ली है चॉकलेट चिप। आयमा हाउ इज इट, इट इज यम? बहुत गरम भी है, ये देखें बिल्कुल अभी बेक हुई है। सो गुड यार, हॉट भी है। सो गुड। और दूसरी जो है वो दी है मिंट, मुझे ठंडी पसंद है मिंट। एंड आई एम अ कुकी का साइज चेक करें यार, दिस लुक सो गुड। इसको ट्राई करते हैं, कुकी का साइज चेक करें। लुक बिहाइंड योर बैक।
बाद में देखिए चले मैं आपको भरती हूँ, पहले इसको कुकी खिला दूँ फिर देखते हैं। आपका दिल करता है आप खामोशी से बस बैठे रहें, कहीं ना जाएं। बिलाल गए हैं अपनी कॉफ़ी लेने, सामने सफोरा है, सफोरा पे मुझे आके अभी सेल में भी चेक करना है। एमा यहाँ पर है, अभी पापा आ जाए। आप क्या लेकर आए हैं बिलाल? यार इसको पनेरा ब्रेड की ये होती है पैशन फ्रूट और पपाया ग्रीन टी। यू लाइक इट? कैलोरीज कम होती है। अच्छा, इज इट स्वीट? एमा करें बताएं कैसा है। It tastes like water. चले जी हम यहाँ के सेंटर में आए हुए हैं, सेंटर पॉइंट पे। यहाँ पे सारी फैमिलीज लोग इंजॉय करते हैं। आज को पार्टी है क्या बिलाल? ये शाम को अच्छा खासा माहौल, मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखाती रही थी। यहाँ पे बिलाल किसी स्कूल की वो है, बच्चे आए हुए हैं। दे ऑल गुड, चलो आ जाओ यहाँ। इस जगह की मुझे वाइब इतनी ज़्यादा पसंद है। वो आयमा और बिलाल वहाँ गए हुए हैं, आराम से यहाँ पे लाइट्स पे बैठे हैं, आप सुकून करें, अपनी ड्रिंक्स ले लें एंड एंजॉय करें। वो बैठे हुए लोग आए, मैंने अपनी कुकीज तो खाई नहीं है, बट इट्स नाइस प्लेस। बिलाल वैसे असल अच्छे प्यारे लग रहे हो, असलियत इंसान के अंदर से ऐसी ही होती है। मर्दों का असल चेहरा, मर्दों का अंदर चेहरा, अंदर से बंदर तो बिलाल ने सही कहा। Is that what Papa should be for Halloween? But I like it, Emma. Yeah, totally. और भी है इनके हेलोइन, ये भी देख लें CVS में क्या हेलोइन है। अच्छा गोस्ट। कैंडल्स भी हैं। मैंने कलर ये मैं लेने आई थी लोरियल का, मैंने कलर देखा था 153। इसको ट्राई करते हैं, चलें बिलाल। चलें, लेट्स गो।